नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। रेणुका, तू राजघराना में पैदा हुई है, राजकुमारियां सी पली बड़ी है। तेरी सेवा करने खातर सैकड़ों दासियां हर पल उपस्थित रहे थी। ई आश्रमवासी को हाथ थाम कर तू के सुख पाई रेणुका? आप जी से धर्म के पुजारी को हाथ थामनो तो मेरो सौभाग्य है। रेणुका, टावर कटाई दिखाई कौन दे रिया है? यज्ञ के वास्ते लकड़ियां लेवा गए थे पिताश्री। शिव जी के अभिषेक के खातर मधु ले आओ हूं पिताश्री। पूजा के लिए फूल लेने गए थे पिताश्री। बहुत संतोष होयो बच्चों। भक्ति आपने सारे के जीवन को उद्देश्य है। भक्ति से ही भी भगवान शिव को साक्षात दर्शन हो सके है। अच्छा बच्चों, थारो भाई भार्गव कट है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भार्गव पुत्र आंखें खोल। परमेश्वर, परम ज्योति, आप मेरे पर प्रसन्न हो गया प्रभु। मैं धन्य हो गयो प्रभु, मैं धन्य हो गयो। पुत्र भार्गव, तेरी ई निश्चल और पावन भक्ति से प्रभावित होकर मैं सीधो कैलाश से अठे पृथ्वी पर तेरे कन्ने चले आया हूँ। तेरी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ पुत्र। तन्ने जो चाहिए तू मांग सके है पुत्र, मन देने में प्रसन्नता होगी। देवादि देव थे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हो, जगदीश्वर जगत रक्षक, तारो दिव्य दर्शन ही मेरे लिए अहोभाग्य है। ये परम सौभाग्य से बढ़कर और महत्वपूर्ण के हो सके है प्रभु। मैं धन्य हो गयो प्रभु, धन्य हो गयो। पुत्र, तुम परम भक्त परम ज्ञानी है, तेरी बातां सुनकर मैं बहुत प्रसन्न होयो हूँ। भार्गव, तू ना कह रहे है पर तन्ने कोई वरदान देने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है पुत्र, और ई खातर मैं ई परसे ने तन्ने वरदान के रूप में सौंप रहे हूँ भार्गव। ई परसे से तू जगत में धर्म की रक्षा करेगो, चाहे जो भी संकट आवे तू सदा ही धर्म के पक्ष में रहिए। अगर कोई भी धर्म के विरुद्ध कोई कार्य करेगो तो वो ई परसे से मृत्यु ने प्राप्त होगा। तेरे से ही ई लोक को कल्याण होगा, यो लोक तेरा गुण गावेगो। मैं प्रसन्न हो गयो प्रभु। के यो सत्य है? हाँ पिताश्री, यह घटना वास्तव में घटी है। भार्गव, भार्गव राम, मेरो प्यारो पुत्र, अनेक महाज्ञानी अनंत काल से अथाह भक्ति से भगवान शिव की आराधना करता आया है, पर बा में से कोई न भी वो सौभाग्य प्राप्त कोनी हुई हो जी को सौभाग्य तने मिले हो पुत्र। कुमार, तू बहुत ही भाग्यशाली है, और तेरे जैसा पुत्र न पाके मैं भी भाग्यशाली हो गयो, मैं भी भाग्यशाली हो गयो। मन्ने आशीर्वाद देवो पिताश्री। पुत्र, सबसे पहले तन्ने अपनी देवी रूपी माता से आशीर्वाद लेना चाहिए। माता से बढ़कर इस संसार में कोई को नहीं है। तेरे जैसा महाभक्त महासाधक सुपुत्र न पाकर यह माँ माता भी धन्य धन्य होगी है, भाग खुल गया इनका। मन्ने आशीर्वाद देवो माता श्री। सदा यशस्वी रहे पुत्र।
मेरे मुख से शब्द कोने निकल रिया है पुत्र भार्गव। भी परमेश्वर द्वारा तन्ने यो परसों सौंपियो गयो है पुत्र। अब से तू ये लोक में परशुराम के नाम से प्रसिद्ध होवेगो। चिरंजीवी हो पुत्र। एक कदम भी आगे मत न बढ़ाइए। स्वामी जी, निर्लज्ज, तू पतिव्रता धर्म न भंग करी है। यदि तेरे में थोड़ी सी लाज शर्म बची है तो अपना मुख कदे भी मन ने ना दिखाइए। तू अठैसा भी निकल कर जा। शांतम पापम, शांतम पापम। स्वामी, धन से, तन से, मन से मैं थाने ही मेरे भगवान मान्यो है प्रभु। कोई भी कारण से मेरो पतिव्रता धर्म भंग कोनी होयो है, थे मेरी बात को विश्वास करो। पापणी, असत्य क्यों बोल रही है? मैं गंधर्व प्रेमी ने देख कर तेरो मन विचलित कोनी होयो तो? हाँ स्वामी, पतो कोनी हो मेरे कुंड से जन्म के पाप को फल है कि बाढ़ने देख कर मेरो मन थोड़ी देर के लिए विचलित अवश्य होयो तो स्वामी, लेकिन बीच समय भी आप ही मेरे मन में विराजित था स्वामी। मैं थारे मन ने दुखी करण वाली, थारी कीर्ति और गौरव ने भंग करण वाली पापण हूँ। दया करो, ये पापण ने क्षमा कर दे स्वामी। क्षमा? और तन्ने, तू आप कमन में पाप लेकर आई है और ये भी आश्रम ने कलंकित करना चाहवे है। तेरे खातर ये आश्रम में कोई जगह कोनी। भगवान, एक पतिव्रता स्त्री के लिए तो अपने पति को घर ही सब कुछ होवे है ना। पति के चरणा में ही भी को स्थान होवे स्वामी। आने छोड़कर बा कठे जावेगी स्वामी। यहाँ हल्की थोती बात मेरे समझ कर, अब तेरे खातर ये आश्रम में नहीं मेरे मन में भी कोई स्थान कोनी रहे हो। स्वामी निकल जाता से नहीं तो श्राप दे दूंगा पापण। स्वामी, स्वामी, अगर मन ने तारा पवित्र हाथे से सजा मिलेगी तो बिन्ने ही मैं आपने कई जन्मा को फल मान के स्वीकार करूंगी। थे मन ने जो सजा दियोगा वह मैं मन पूर्वक स्वीकारूंगी प्रभु। प्रिय महान पतिव्रता रेणुका देवी की इसी स्थिति होने को कारण क्या है? विधि को विधान। पतिव्रता स्त्री सूर्य की गति ने, वायु की दिशा ने बदल सके है, या बात है ही तो कहवे था ना। बेया भी के बा विधि के विधान ने बदल को नहीं सके। नहीं, यह असंभव है। विधि को विधान तो परम ब्रह्मा को संकल्प है, बिने बदल पाणु तो देवी देवता माँ के लिए भी असंभव है। सुलोचन, सुलोचन। पिताश्री, थे मने बुलाया है के? सुलोचन, तू मेरो ज्येष्ठ पुत्र है, मेरो प्रेम को प्रतीक है। आज मैं तने एक कठिन काम सौंपनो चाहूं, क्या तू कर सकेगो? निश्चिंत होकर बताओ पिताश्री। सत्य कह रही हो है?
थारा चरणा की सुगंध खा करके हूँ पिताश्री। तो फिर जा, तेरी माँ को शीश काट के मेरे कन्नले का। पिताश्री,